हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग यहाँ पर रिवीजन करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। मीन्स जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या जो रिडक्शन रिएक्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और इसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे क्लासिकल व्यू, ठीक है, जो क्लासिकल व्यू है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वो क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस वेयर अर्लियर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन, है ना। देखिए पहले क्या होता था, हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस टर्म में डिफाइन करते थे, यहाँ देखिए बच्चों लिखा है टर्म्स, किस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ या रिमूवल किसके, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में हम इसे डिफाइन करते थे पहले। ठीक है, पहले ऐसे करते थे। फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू अर्ली व्यूज, अर्ली व्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑक्सीडेशन है ना, इसमें क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस ऐड ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और रिमूवल किसका हो रहा है, हाइड्रोजन। मीन्स अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ओ को ऐड करना है, ओ क्या, ऑक्सीजन ऐड करिए, तो रिमूव किसे करेंगे, हाइड्रोजन को। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, इन विच सब्सटेंस ऐड हाइड्रोजन, इसी का रिवर्स है ना, वाइस वर्सा इसी का। रिडक्शन में हम लोग ऐड करेंगे हाइड्रोजन को और रिमूव करेंगे क्या, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। किसमें ऐड हुआ ऑक्सीजन, कार्बन में ऐड हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड किए तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखिए, सल्फर एस प्लस ओ टू गिव एस ओ टू, तो यहाँ पे सल्फर से, सल्फर एलिमेंट से क्या हो रहा है, ओ टू ऐड हो रहा है, तो हियर वी विल से व्हाट, इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, सल्फर रिएक्शन, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, इट कैन बी डिफाइंड है ना, वी कैन डिफाइन इट ऑक्सीडेशन, या सेकेंड डिफिनेशन कह सकते हैं व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिमूवल को भी हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस क्लोरीन, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है ना, देखिए सल्फर अलग हो गया, हो रहा है ना, तो सल्फर इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो डिटेन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मीन्स जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ उस कंपाउंड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे देखिए, अब आप बता सकते हैं, हमें दिख रहा है इस कंपाउंड से HCl से क्या हो रहा है, H रिमूव हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह इस रिएक्शन में CH4 से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन डिफिनीशन। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो जो सब्सटेंस जो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को या रिमूव करेगा हाइड्रोजन को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो डिफिनीशन यहाँ पे हम लोग जान गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनीशन क्या है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे रिएक्शन लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों भाई, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, कार्बन को। इसी तरह जो हमारा सेकेंड रिएक्शन है H2S प्लस क्लोरीन गिव 2HCl है ना प्लस सल्फर, इसमें क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर दे रहा है ना, H2S से क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना।
तो ये डिफिनीशन हो गया किसका, ऑक्सीडेशन का, किसका हो गया, ऑक्सीडेशन का डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट रिडक्शन का देख लेते हैं। तो इसी का उल्टा, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता था, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल होगा। यहाँ पे रिमूवल हाइड्रोजन का होता था, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गिव टू HCl। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, तो बना क्या रिडक्शन, इसका हो गया क्या, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। H2S प्लस क्लोरीन गिव HCl प्लस, ये यहाँ पे क्लोरीन में देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो क्लोरीन का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। उसी तरह वेजिटेबल ऑयल्स में जब हाइड्रोजन ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन होता है, तो हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, वेजिटेबल घी बनता है ना, तो यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिफाइन करेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो गया। उसी तरह Fe3O4 है ना, ये ऑक्साइड है किसका, आयरन का, इसका जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है तो आयरन प्लस वाटर, तो यहाँ देखिए इस जो ऑक्साइड ऑफ आयरन है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन देखिए रिमूव हो रहा है, तो इस कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का, है ना। यू कैन नहीं समझ मारा, एक बार और वीडियो देखिए, एक बार और देखिए, डेफिनेटली आएगा, है ना, डेफिनेटली आएगा। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन और मिल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन, तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है या रिमूव करता है ऑक्सीजन को, उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है H2S प्लस क्लोरीन गिव टू HCl प्लस S। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन किसको, क्लोरीन को, देखिए है ना, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर क्लोरीन को, तभी तो HCl बना। उसी तरह यहाँ पे CU प्लस कार्बन गिव CU प्लस CO है ना, यहाँ पे कार्बन जो है क्या हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प कर दे रहा है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे एक हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। E फॉर रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, मीन्स जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन होता हो, रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीजन भी होता हो। तो यहाँ पे देखिए CuO प्लस हाइड्रोजन गिव कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो CuO है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैसे, देखिए ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और हमको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो ये रिडक्शन हो गया। इस H2 में देखिए H2 चेंज हो रहा है वाटर में, और यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे क्या, कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन है जैसे CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे देखिए CH4 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह ये वाला रिएक्शन देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है इससे, जिंक ऑक्साइड, तभी तो जिंक बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। अब कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे HCl प्लस MnO2 गिव MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखिए जो HCl है ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में,
और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे? हमें पता है ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए तो क्या बनेगा? क्लोरीन बनेगा, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एमएनओ टू का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देखिए एमएनसीएल टू बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन है। तो अब हमें लगता है कि आप लोग अगर कोई ऐसे रिएक्शन दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि कौन इसमें कौन सा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसा और किसका रिडक्शन हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा फिर लिखेगा क्वेश्चन क्या, फाइंड आउट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, या इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है या कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो अभी से उस चीज़ के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए ना, बिकॉज यू गेट लॉन्ग हैविंग लेस टाइम। ठीक है, तो गेट रेडी, आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया है देन कमेंट, आई विल डेफिनेटली उसको फिर से बताया जाएगा। थैंक यू।